फ्रेंड्स, आज देखिए इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल से DIY बना रही हूँ प्लांटर, और थोड़ा सा कुछ यूनिक रखूँगी। तो इसको मैंने पहले येलो कलर से पेंट करके सुखा लिया है, उसके बाद देखिए मैंने कैसे निशान बनाए हैं। ये देखिए, ये मैंने निशान बनाया है और इस पे पौधा रहेगा, और इसको मैं कट करके कैसे इस पे क्या करती हूँ इसको अभी आगे आपको दिखाऊंगी। आप देखिएगा, ये बहुत ही क्यूट प्लांटर तैयार होगा। और ये एक लाइन खींची हुई, पहले इस लाइन को यहाँ से यहाँ कट करके लाती हूँ अभी, और उसके बाद फिर इसको काटूंगी और दिखाऊंगी मैंने इसमें क्या किया है, और अभी कट करके आपको दिखाती हूँ। और अब देखिए फ्रेंड, ये मैंने कट कर दिया है, और देखिए मैंने कैसे कट किया है। ये पोर्शन इसका निकाला है और ये पोर्शन इसका निकला हुआ है, ये देखिए ये इसका निकला हुआ है। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा कैंची से और कट मार दिया है, ये देखिए। और मैं इसको जो है इसमें बैठा लूँगी, इसको थोड़ा सा मोड़ के सीधा करेंगे, क्योंकि ये गोल में कट के निकला है, थोड़ा इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, ऐसे 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 सीधा करने के बाद इसको आप देख रहे हैं, इसको ऐसे हम फंसाएंगे। ये कट किया है उसी में मैं इसको ऐसे फंसाऊंगी, ये हमने फंसाया है इसको। अब इसमें ये आप देख रहे हैं, ये इसमें फंस गया, ये देखिए ये इसमें फंस गया है, ये कट किया है इधर उधर, इसी वजह से ये फंस गया है। अब फंसने के बाद हल्का सा इसका ये गोल सा काट देंगे, तो ये कोना निकला हुआ है, इसको हल्का सा गोल शेप देंगे। अब देखिए सामने से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ बैठा लेंगे और यहाँ पर हम पौधा लगाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको अच्छे से शेप दे दें, थोड़ा सा ये निकला रहे जो इसके सपोर्ट में रहे, नहीं तो ये फिर इसके अंदर चला जाएगा। हल्का हल्का निकला रहना चाहिए जिससे ये इसके अंदर फंसा रहे। तो ये तो स्पेस सॉरी बैठने के लिए हो गया, और यहाँ पर पौधा लगाने के लिए। अब इसको ये थोड़ा सिंपल सिंपल लग रहा है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको मुझे पेंट नहीं करना, ये काला वाला इलेक्ट्रिक वाला जो टेप है फ्रेंड, ये देख रहे हैं, इसी को मैं देखिए कैसे कट कर करके लगाऊंगी। ऐसे जगह जगह इस तरीके से कोई शेप बहुत कोई नाप तोल का शेप नहीं रहेगा, बस यो ही थोड़ा अच्छा लगे देखने में। पूरा लगा देखिए, ये लगाया है पूरा लगा के, शीशी में आपको दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने कितना कलरफुल कर दिया है, ये देखिए टेप लगा करके, बस ये वाला टेप इलेक्ट्रिक वाला, छोटे छोटे चिकोने टुकड़े लगा करके ये तैयार कर दिया है। और इसमें देखिए अभी प्लांट लगाऊंगी इसमें, और इसमें मैं कुछ बैठाऊंगी, तब आपको लगा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा DIY प्लांटर रेडी हो गया है, मैंने इसमें पुथोस का प्लांट लगा दिया है, ये देखिए
ये मेरा एक छोटे से गमले में लगा हुआ था, उसमें से निकाल कर मैंने इसमें लगा दिया। कटिंग से मैंने नहीं लगाया, इसको पहले कटिंग से तैयार किया था, लेकिन अभी तो जड़ समेत निकाल के लगाया है, क्योंकि अभी इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इसी को मैंने इसमें लगा दिया है। और ऊपर मैंने थोड़ी सी वो नारियल के जो रेशे होते हैं उनको निकाल करके उसमें दो चिड़ियाँ बैठा दी हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, मेरे पास रखी हुई थी। तो इस तरह हमारा ये हैंगिंग प्लांटर रेडी हो गया है। कुछ थोड़ा सा, वैसे तो बहुत इस तरह के बनते, थोड़ा चिड़ियों के बैठाने से थोड़ा सा यूनिक हो गया है। तो ये और ऊपर मैंने इसको हैंगिंग के लिए टांग दिया है, इस तरीके से मैं हैंग करूँगी, कहीं पर भी हैंग कर दूँगी शेडी एरिया में। और ये तो टेप से मैंने बनाया, आपको दिखाया भी, और जल्दी बन भी गया और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। तो हमारी ये DIY, ये क्रिएटिविटी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।